ओके, आज हम पढ़ेंगे बेसिक सॉर्टिंग, कस्टम सॉर्टिंग, सॉर्टिंग मल्टीपल लेवल्स, ग्रुपिंग अनग्रुपिंग डेटा, ये हम पढ़ेंगे। सॉर्टिंग डेटा का मतलब क्या है? सॉर्टिंग इज़ ए कॉमन टास्क डेट अलाउ यू टू चेंज और कस्टमाइज द ऑर्डर ऑफ योर स्प्रेडशीट डेटा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास अगर एक्सेल शीट में बहुत ज़्यादा डेटा हो और हम इसको एक ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम फिर सॉर्ट फंक्शन यूज़ करते हैं। अरेंजिंग योर डेटा अल्फ़ाबेटिकली, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास डेटा है लेकिन मिक्स डेटा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ अगर आप नेम के लिहाज से आप चेक कर लें तो कुछ ए का नंबर ऊपर है, कुछ इसके दरमियान में है, कुछ नीचे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि जो नंबर जो नेम ए से आते हैं वो स्टार्ट में हो, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से, तो फिर इसको सर्च करना आसान होता है ना। या अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स हैं और आप चाहते हैं कि स्टूडेंट का मार्क्स वो एक ऑर्डर में मुझे शो हो जाए, जो जिन स्टूडेंट ने ज़्यादा नंबर लिए हों वो टॉप में शो हो जाए, जो मतलब इस तरह जो कम है तो वो नीचे आ जाए, ठीक है, तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं ना। तो इस तरह के लिए के कामों के लिए हम सॉर्टिंग वो यूज़ करते हैं। तो अब हमारे पास से टू सॉर्ट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अगर हमारे पास टेक्स्ट डेटा है तो इसको हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर इसको सॉर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ए टू जेड और जेड टू ए, अगर आप चाहते हैं कि जेड वाला ऊपर आ जाए और ए वाला जो ए से स्टार्ट होते हैं वो नीचे आ जाए ना, तो इस तरह हम सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डेटा है। अब इस कॉलम पे आप देख लें तो हमारे पास इस कॉलम में मिक्स डेटा है, ये ई है, ये ए से स्टार्ट है, ये बी से है, नीचे ए भी ए से है, समझ आ रही है ना। तो मैं चाहता हूँ कि ये सॉर्ट हो जाए, तो मैंने इस कॉलम पे क्लिक किया हुआ है और होम टैब से यहाँ सॉर्ट इन फिल्टर, और यहाँ से मैं क्लिक कर लेता हूँ ए टू जेड, इस पर क्लिक किया तो एक्सपेंड कलेक्शन, एक्सपेंड सिलेक्शन का मतलब ये है कि आपने सिलेक्शन को एक्सपेंड करना है या पूरा सेलेक्ट करना है। मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैंने इसी को सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन सॉर्ट। तो आप देख लें ये ए वाला पहले आ गया, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला, ई वाला, इस तरह। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा डाटा जेड टू ए सॉर्ट हो जाए तो जेड टू ए पे क्लिक करूँगा और कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन, तो ये अभी इसमें तो जेड नहीं है लेकिन स्टार्ट फ्रॉम लास्ट करेक्टर्स डब्ल्यू से, फिर इस तरह ए। तो अब मैंने इस कॉलम पे क्लिक किया है तो सॉर्ट में क्या रहे हैं ए टू जेड। अगर मैं कुछ नुमेरिक नंबर पे क्लिक करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इस जगह पर आप देख लें नुमेरिक नंबर हैं, तो यहाँ पर आप देख लें तो अभी आ रहा है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, वहाँ पर ए टू जेड आ रहा था ना, लेकिन जब नंबर वाला कॉलम होता है तो फिर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो ये देगा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में मैं क्लिक करूँगा, देख लें 105 135 इस तरह है ना, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन, तो ये देख लें सारे 105, फिर 110, फिर 135, फिर इस तरह सॉर्ट हो गया ना। लेकिन जी तो एक तो जिस कॉलम पे हम सॉर्ट लगाते हैं ना उस बेस पे डेटा चेंज हो जाता है ना। अभी हमने सॉर्ट किया है और नंबर्स, तो नंबर बेस में सॉर्ट होगा तो इसलिए ये चेंज हो गया इसका ऑर्डर, ठीक है। इस तरह तो नहीं हो सकता कि यहाँ भी सॉर्ट हो जाए उस तरह भी सॉर्ट हो जाए, ठीक है। वो आगे आता है मल्टीपल सॉर्टिंग, लेकिन वो एक करेक्ट कैटेगरी में होंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो डब्ल्यू से आते हैं उसमें जो इस नंबर से स्टार्ट होते हैं तो इस तरह वो सॉर्ट होंगे। इस तरह मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट क्लिक करता हूँ तो एक्सपेंड द करंट सिलेक्शन, तो ये देख रहे 220 से स्टार्ट हो गया और अप टू 105 से 105 तक, ठीक है। ये तो ये टेक्स्ट बेस में आपके पास क्या आएगा सॉर्टिंग में ए टू जेड, और नंबर में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अगर मैं डेट पे क्लिक कर लेता हूँ तो आप देख लें अभी ये कहता है कि सॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, तो इसका मतलब ये है कि सबसे लास्ट सबसे पुराना डेट वो स्टार्ट में आ जाए ना, तो सॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट में मैं क्लिक कर लेता हूँ एक्सपेंड कंटिन्यू द करंट सिलेक्शन। पहले एक अक्टूबर और नीचे देख लें 15 अक्टूबर। अगर मैं चाहता हूँ कि न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट,
जो लास्ट में एंट्री हुआ है वो टॉप पे आ जाएगा, 15, ठीक है, फिर 14, फिर 13, इस तरह। समझ में आई बात है? तो ये डिफरेंट सॉर्टिंग है। यहाँ पर ए टू जेड, इस कॉलम में भी ए टू जेड आएगा, ठीक है, इसमें टेक्स्ट नंबर है, टेक्स्ट डेटा है, इसमें भी ए टू जेड आएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकली ऑर्डर में आपने करना है तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, डेट और टाइम में करना है तो ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, ठीक है। अच्छा, अब सम टाइम हम कस्टम सॉर्टिंग करते हैं। तो कस्टम सॉर्टिंग का मतलब ये है कि अगर मैं चाहता हूँ कि दो कॉलम पे सॉर्ट कर लूँ, दो कॉलम पे किस तरह सॉर्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं सॉर्ट कर लेता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि डार्क रेड आ जाए, ठीक है, और डार्क रेड में जो डार्क रेड वाला कैटेगरी के अंदर जो एस स्टार्ट हो वो आ जाए, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी अप टू जेड, फिर इस तरह दूसरा कैटेगरी में ए से जो स्टार्ट होते हैं बी से। तो कैटेगरी वाइज कस्टम सॉर्टिंग इसको कहते हैं। तो कस्टम सॉर्टिंग के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू। अब मैंने इस कॉलम पे क्लिक किया हुआ है ना, तो ये इस कॉलम पे मुझे सॉर्ट करेगा। अभी मैं चाहता हूँ कि इस कॉलम पे, तो मैं कस्टम सॉर्ट यहाँ से कंटिन्यू विद करंट सेलेक्शन सॉर्ट। अच्छा, अब आप देख लें टी शर्ट कलर वैल्यूज़ के लिहाज से, ये इसमें वैल्यूज़ हैं ना, वैल्यूज़ के लिहाज से ये सॉर्ट होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले रेड आ जाए, डार्क रेड आ जाए, ठीक है। अगर वैल्यू के लिहाज से मैं सॉर्ट करता हूँ ए टू जेड के लिहाज से, ठीक है, तो फिर किस तरह आएगा? पहले डी आएगा, फिर एच आएगा, फिर लास्ट में इस तरह आएगा ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे डार्क रेड आ जाए, ठीक है, फिर इसके बाद आ जाए वाइट, फिर इसके बाद आ जाए हीटर ग्रे। तो आप देख लें ये चेंज है ना। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा ऑन वैल्यू ऑर्डर और कस्टम लिस्ट में क्लिक कर लूँगा। तो न्यू लिस्ट एड में क्लिक कर लूँगा, इसमें पहले एंट्री, तो मेरे पास कौन से एंट्री हैं यहाँ पर हैं, डार्क रेड, डार्क रेड, फिर एंटर। दूसरा मैं चाहता हूँ कि वाइट आ जाए। थर्ड कौन सा है, हीटर ग्रे, हीटर ग्रे, और आई थिंक और नहीं है। तो पहले डार्क रेड आएगा, फिर वाइट, फिर एच। आप देख लें ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं है, ये मैंने कस्टम ऑर्डर वो एक लिस्ट बनाया, ठीक है। लेकिन वैल्यू उस तरह होनी चाहिए जहाँ पर हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास एक न्यू लिस्ट बन गया। अब मैं इसको ओके कर लेता हूँ, तो आप देख लें ओके किया, तो हम देखें डार्क रेड, फिर वाइट, फिर हीटर ग्रे। तो ये हमने कस्टम सॉर्ट किया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि डार्क रेड में जो ए से स्टार्ट हो, अब देख लें आप डार्क रेड यहाँ से तकरीबन, आप देख लें कि यहाँ से डार्क रेड यहाँ तक, इसमें जो इस कैटेगरी में ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर हो जाए, ठीक है। अब देख लें इसमें W T S R M N मिक्स आ रहा है ना, तो मैं इसमें सॉर्टिंग करना चाहता हूँ। तो मैं अगेन यहाँ से कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करूँगा, तो अभी ये एक कॉलम पे सॉर्ट हुआ है। अब मैं एड लेवल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं दूसरा लूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरा कौन सा है, एक मिनट मैं पहले इसको अनसेलेक्ट कर लेता हूँ, फर्स्ट नेम, ओके। तो मैं कस्टम सॉर्टिंग पे क्लिक करूँगा, कंटिन्यू कस्टम सॉर्ट, कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन चौक। तो ये अभी मैं चाहता हूँ कि वो वाला ऑर्डर भी आ जाए ना, तो वो कौन सा है, वो है टी शर्ट कलर सॉर्ट बाय फर्स्ट कॉलम। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मल्टीपल आ जाए ना, तो मल्टीपल के लिए मैं इस तरह करूँगा ना कि मल्टीपल को सेलेक्ट कर लूँगा। तो फर्स्ट नेम पे मैं क्लिक किया, यहाँ से कस्टम सॉर्ट एक्सपेंड सिलेक्शन, तो मैंने सारे टेबल को सेलेक्ट किया, ठीक है, एक्सपेंड सिलेक्शन। अगर मैं एक कॉलम को चाहता हूँ तो फिर कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन, लेकिन सारे को इंक्लूड करना चाहता हूँ तो फिर ये वाला। तो अब सारा टेबल इंक्लूड हो गया, तो कॉलम का नेम सारे यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले टी शर्ट कलर पे हो जाए जो मैंने लिस्ट बनाया है,
इसके बाद अगेन एड लेवल, अभी मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट नेम पे आ जाएं ए टू जेड लिहाज से। तो अभी हर एक कैटेगरी में ये अल्फ़ाबेटिकली आर्डर हो जाएगा। तो आप इसको ओके कर लें तो आप देख लें कि डार्क में एम, फिर आर, फिर एस, फिर टी, फिर वाइट में देख लें डी, फिर ई, फिर इस तरह, फिर हीटर में आप ए, फिर बी, फिर सी। हर एक कैटेगरी में जितने नेम हैं तो उस बेस पे वो ऑर्डर को करेगा। आप और भी फिल्टर लगा सकते हैं, कस्टम लिस्ट, एक्सपेंड टू करंट सिलेक्शन, पूरा टेबल, और आप और दूसरा लेवल भी ले सकते हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन फिर और भी माइनर हो जाएगा ना, तकरीबन आप लगा भी सकते हैं इस तरह। अगर आपने किसी भी लेवल को डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं, आप लेवल पे क्लिक कर लें यहाँ से डिलीट लेवल। आप चाहते हैं कि पहले फर्स्ट नेम पे हो जाए फिर इसके बाद कलर हो जाए, तो आप इसको यहाँ से मूव कर सकते हैं, मूव अप लेवल, तो पहले फर्स्ट नेम पे स्टार्ट होगा इसके बाद फिर टी शर्ट कलर पे। तो मैं इसको ओके कर लेता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि पहले ये वाला स्टार्ट हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये वाला, फिर ये हो गया, इस तरह स्टार्ट हो गया। तो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से डिलीट कर लूँ, तो आप इससे डिलीट भी कर सकते हैं। मैंने अब जस्ट फर्स्ट नेम लिख लिया, या ये इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैंने डिलीट लेवल इसको मैंने ओके किया, तो ये ओके हो गया। अब ये सिर्फ इस वाला, ये वाला कॉलम जस्ट रह गया है, ठीक है। तो ये था कस्टम सॉर्टिंग, सॉर्ट बाय फिल कलर, फॉन्ट कलर। अच्छा, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि कस्टम सॉर्ट में आके आप यहाँ से एक्सपेंड सिलेक्शन, यहाँ से मैंने वैल्यू सेलेक्ट किया है ना, तो बेस्ड ऑन वैल्यू ये सेलेक्ट करेगा। अब बेस्ड ऑन सेल कलर, तो अगर सेल को मैंने कुछ कलर दिया हुआ है ना, बैकग्राउंड कलर, तो इस बेस पे भी सॉर्ट कर सकता है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ फॉन्ट कलर, तो फॉन्ट कलर बेस में भी सॉर्ट हो सकता है। अगर मैं कहता हूँ कि इसमें कुछ आइकन वगैरह हैं इस बेस पे सॉर्ट हो, तो वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक और लेवल ऐड करना चाहता हूँ टी शर्ट कलर, और इसमें करना चाहता हूँ फॉन्ट कलर, तो फॉन्ट कलर स्टार्ट फ्रॉम ग्रे, ओके, ये टॉप पे आएगा, ठीक है, तो ग्रे से स्टार्ट होगा। अभी मैं इस वाले लेवल को डिलीट करना चाहता हूँ, तो अभी टी शर्ट कलर स्टार्ट फ्रॉम ग्रे, इसको मैंने ओके किया, तो स्टार्ट फ्रॉम ग्रे, फिर रेड, फिर ये वाला, समझ यही बात, ठीक है। तो ये इस बेस पे भी स्टार्ट कर सकता है। तो मल्टीपल लेवल भी हमने पढ़े कि मल्टीपल लेवल किस तरह ऐड कर सकते हैं, ऐड लेवल और चेंज सॉर्ट प्रायोरिटी, एक को ऊपर करना, नीचे करना, कि पहले एक पे हो जाए फिर दूसरे पे, वो भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है आउटलाइनिंग डेटा। इफ़ द अमाउंट ऑफ डेटा इन योर वर्कशीट बिकम ओवरव्यूइंग, क्रिएटिंग एन आउटलाइन कैन हेल्प। अगर हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा है तो हम इसको आउटलाइन कर सकते हैं। दिस विल समराइज डेटा फॉर क्विक एनालिसिस एंड सब टोटल कमांड, ठीक है, एंड वो वाला फंक्शन सम, काउंट, एवरेज वगैरह उसके साथ यूज़ होंगे। तो आउटलाइन डेटा यूजिंग सब टोटल। अब मैं चाहता हूँ कि डेटा को मैं सब टोटल की मदद से आउटलाइन करूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से डेटा को सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। इस केस में हमारे पास पूरा टेबल है, तो यहाँ से मैं सारे टेबल को एक से सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, इस तरह। फिर इसके बाद मैं आता हूँ डेटा, डेटा टैब में, और यहाँ पर हमारे पास, आप होम में भी यहाँ से सॉर्टिंग फिल्टर कर सकते हैं, और डेटा टैब में भी आपके पास ये सॉर्टिंग कमांड है, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डेटा टैब में हमारे पास सब टोटल कमांड है, मैंने सब टोटल पे क्लिक किया। अब मुझे ये दिखा रहा है कि एट ईच चेंज इन कौन सा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि सब टोटल, अच्छा पहले सिलेक्शन करना चाहिए, तो मैंने सेलेक्ट किया ये इस तरह, ठीक है, तो सब टोटल। अच्छा, अब ये मुझे सब टोटल चाहिए। सब टोटल का मतलब ये है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये एक्स लार्ज कितने हैं, ठीक है, तो अब मैं तो ख़ुद काउंट करूँगा ना कि एक दो तीन चार, और ये लार्ज कितने हैं, एक दो तीन चार, मीडियम कितने हैं, दो, स्मॉल कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः अप टू, इस तरह। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक के नीचे टोटल आ जाए कि ये इतने हैं। तो अब मैं एट ईच चेंज इन व्हाट, तो मैं कहता हूँ कि टी शर्ट साइज़ में जब चेंज हो जाए, चेंज किस तरह हो जाए, यहाँ से एक्स लार्ज है, ये भी एक्स लार्ज है, ये भी एक्स लार्ज है, ये भी एक्स लार्ज है, तो चेंज कहाँ पर आ गया,
यहाँ पर, प्रिय लार्ज 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 पेज चेंज कहाँ पर आ गया, यहाँ पर। तो एट ई चेंज इन, तो आपने कॉलम को सेलेक्ट करना है, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ के टी शर्ट साइज। अच्छा फंक्शन कौन सा लगाना है, तो मेरे पास तो अभी मैं पास टेक्स है तो मैं काउंट फंक्शन लगा सकता हूँ, अगर नंबर हैं तो आप सम एवरेज वगैरह भी लगा सकते हैं, तो मैंने काउंट लगाना है, ठीक है। अच्छा जो सब टोटल हैं, जिसके टोटल वो कैलकुलेट करेगा, जिस तरह मैंने आपको कहा 4, 2, 3 वगैरह, तो ये टोटल कहाँ पर शो होगा, तो मैं चाहता हूँ कि 8 सब टोटल टू टी शर्ट साइज, टी शर्ट साइज़ के नीचे इसका टोटल वो कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अब मैं इसको ओके कर लेता हूँ, तो आप देख लें यहाँ से ये 4, ये 4, ये 2, ये 8, ये 1, ये 8 और टोटल 27। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास बहुत आसानी से इसका टोटल कैलकुलेट हो गया। अभी आप यहाँ पर देख लें आपका डेटा ग्रुप वाइज डिवाइड हो चुका है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये डेटा नहीं चाहिए, जैसे इसके टोटल चाहिए, तो मैं इस माइनस पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर देख लें कि एक्स लार्ज कितने हैं, 4। अब मैं सबको इस तरह माइनस कर लेता हूँ इस तरह, तो आप देख लें मुझे दिखा रहा है कि एक्स लार्ज आपके पास कितने हैं, 4 है, लार्ज कितने हैं, 4 है, मीडियम कितने हैं, 2 है, स्मॉल कितने हैं, इतने हैं, लार्ज इतने हैं, मीडियम इतने हैं, टोटल 27 है। लेकिन डेटा मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैंने जस्ट इसको क्या किया, ग्रुप किया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि अगेन, अच्छा जो 8 हैं वो कौन कौन से हैं, मतलब उसके नेम क्या है, तो मैं इस पर क्लिक कर लूँगा, तो ये 8 ये वाले हैं, एक इसका नेम ये है, ये है, ये है, और कितने डेट कौन से डेट में मैंने पेमेंट को सेंड किया हुआ है, सारा डिटेल वो आ जाएगा, ठीक है। इस तरह अगर मैं यहाँ से पे क्लिक करूँगा ये दूसरा जो माइनस है, तो सारा हाइड हो जाएगा और मुझे जस्ट टोटल 27 शो होगा। अगर मैं अगेन फिर शो करना चाहता हूँ, तो प्लस, फिर अगेन प्लस, फिर प्लस, फिर प्लस, इस तरह पूरा डेटा वो शो हो जाएगा। और यहाँ से भी कर सकता हूँ 1 टोटल, 2 फिर हर एक का टोटल, ठीक है, और 3 पे पूरा डिटेल, यहाँ से भी एक क्लिक पे कर सकता हूँ। अब मैं सब टोटल को ख़त्म करना चाहता हूँ, तो सब टोटल में मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो सबसे पहले मैं डेटा को सेलेक्ट कर लूँगा, ये डेटा को यहाँ से पूरा डेटा, यहाँ से पूरा शीट आप क्लिक कर सकते हैं ना, तो सब टोटल। अब मैं चाहता हूँ कि रिमूव आल, रिमूव आल, तो मेरा डेटा नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो ये सब टोटल कमांड था जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा अब आपने कुछ शो हाइड ग्रुप भी मैंने आपको बताया कि सब टोटल में आप शो हाइड भी कर सकते हैं, ग्रुप बाय लेवल भी चेक कर सकते हैं 1, 2, 3 बेस पे, ठीक है। अच्छा अब मेरे पास डेटा है, मैं चाहता हूँ कि कुछ डेटा वो मुझे बस शो ना हो, बस मुझे वो डेटा चाहिए जो जिसमें अभी मैं काम कर रहा हूँ, वो डेटा मुझे डिस्प्ले हो जाए। तो अब मैं इसको ग्रुप कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने ये डेटा सेलेक्ट किया यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और मैं ग्रुप पे क्लिक करूँगा ग्रुप, तो ये देख रहे एक लाइन आ गया ना, जिस तरह सब टोटल में आ रहा था, तो मैं ऐसे माइनस क्लिक करूँगा, तो अभी ये हाइड होगा, टोटल वगैरह नहीं करेगा, जस्ट हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना काम करूँगा, मतलब जो जो काम मुझे अभी रिक्वायर्ड नहीं है, जिस काम का जिस डेटा में काम नहीं कर रहा, उसको मैंने हाइड किया, ठीक है। मैंने फिर शो करना है तो मैं प्लस प्लस को क्लिक करूँगा, तो इस तरह। अभी मैंने दूसरा कुछ हाइड करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से लेके अभी यहाँ तक, तो अगेन मैं ग्रुप पर क्लिक करूँगा, ठीक है, तो अभी ये भी हाइड हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप पूरा शो कर सकते हैं। अब मैं वापस अनग्रुप कर लेता हूँ, तो अनग्रुप, तो पहले मैं डेटा को क्लिक कर लूँगा और अनग्रुप से अनग्रुप करूँगा, रोज़ मैंने चूँकि ग्रुप किए थे तो ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह मैं कॉलम्स को भी ग्रुप कर सकता हूँ, मैंने 3 कॉलम को सेलेक्ट कर लिए ग्रुप, तो ये देख लें ऊपर से आ गया माइनस। अब मैं माइनस कर लेता हूँ, तो ये 3 कॉलम गायब हो गए, बाकी डेटा शो हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि आ जाए, तो प्लस, मैं अगेन ख़त्म करना चाहता हूँ, पूरा शीट सेलेक्ट किया, अनग्रुप अनग्रुप। अब मैंने इस टाइम क्या किया था, कॉलम ग्रुप किया था, कॉलम ओके, तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा टास्क नंबर 6 में आपने ये डेटा एंटर करना है, अगर आपके पास ये लोग होना हो तो कोई बात नहीं है, जस्ट काम डेटा के साथ है।
डेटा आप इंटर कर लें इस शीट से। आपने क्या करना है, इंटर राइट साइड डेटा इन एक्सेल एंड सॉर्ट द कॉलम ए इन असेंडिंग ऑर्डर। कॉलम ए कौन सा है, ये वाला है ना, तो आपको इसको आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर पे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर पे करना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, डुप्लीकेट डेट डेटा टू शीट टू, शीट थ्री, शीट फोर, शीट फाइव। इस डेटा का कॉपी लेना है और शीट टू में, थ्री में, फोर में, फाइव में पेस्ट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट तो थ्री शीट होते हैं ना, तो दो आपने और क्रिएट करने हैं, ठीक है। इन शीट टू, शीट टू में आपने क्या करना है, सॉर्ट द डेटा बाय टी शर्ट साइज़। टी शर्ट साइज़ क्या है, यहाँ है, टी शर्ट साइज़ के बेस पे आपने सॉर्ट करना है शीट टू में। शीट थ्री में आपने सॉर्ट डेटा करना है टी शर्ट कलर बेस पे। शीट फोर में आपने सॉर्ट करना है डेटा पेमेंट के लिहाज से। शीट फाइव में आपने आउटलाइन करना है वर्कशीट टी शर्ट साइज़ यूजिंग सब टोटल कमांड एंड डिस्प्ले फर्स्ट लेवल ऑफ ग्रुप इन वन आउटलाइन। फाइव नंबर शीट में आपने सब क्या करना है, डेटा को टी शर्ट साइज़ के लिहाज से सब टोटल कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। और फिर आपने उसका फर्स्ट लेवल शो करना है। फर्स्ट लेवल का क्या मतलब है, कि वो सिर्फ टोटल शो हो जाए उसके, ठीक है, उसके बेस पे आपने ये काम करना है, ठीक है, सिंपल है ना।